हे गाइस, वेलकम बैक टू महादेव मार्बल सैनिटरी वेयर सेल्फ लेवलिंग। बेसिकली जो पुराने फ्लोर्स हैं जहाँ पे दाने का या जहाँ पे पत्थर का काम हो रखा है और वहाँ पे लेवल का इशू इंसुलेशन की वजह से या फर्श ख़राब होने की वजह से है, तो वहाँ पे जो लेवल का इशू है हम उसको सेल्फ लेवलिंग के थ्रू किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको कि बेसिकली इंसुलेशन या मैं बात करूँ कि कहाँ पर सेल्फ लेवलिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स गो। हम आ गए हैं अपने फ्लोर पर जहाँ पर हम सेल्फ लेवलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बात करूं इस फ्लोर की तो जो ये अप डाउन का लेवल आप देख रहे हैं इसी को हम इंडुलेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें विनाइल फ्लोरिंग की, हम बात करें एसपीसी फ्लोरिंग की, अगर हमें वो इंस्टॉल करनी है तो उस प्रोसेस में हमें इस सारी इंडुलेशंस को ज़ीरो लेवल पे डेड लेवल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस इंडुलेशन को ख़त्म करने के प्रोसेस को ही हम सेल्फ लेवलिंग कहते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका ये फ्लोर है कम से कम 20-25 साल पुराना। फिर बात करें इसके ऊपर विनाइल फ्लोरिंग लगाई हुई थी जिसको हम चिपका के, या मैं बात करूं तो पेस्टिंग करी हुई थी। इस पेस्टिंग वाले पार्ट में जितना आप गोंद देख रहे हैं या फिर इंडुलेशन देख रहे हैं वहाँ पे आपको नीड नहीं थी, बट उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह की छाप हमें देखने को मिलती है। हम ये सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ये सारे इंडुलेशन ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो ये है आपकी सेल्फ इंडुलेशन का बिफोर वाला फ्लोर, जिसे आप देख के जज कर सकते हैं कि क्यों हमें सेल्फ लेवलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा फ्लोर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में किस तरीके से आपको सेल्फ लेवलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और पूरे फ्लोर में ये कितनी देर में और कितनी एफिशिएंटली ये काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लीनिंग का वर्क हुआ, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर एक रबिंग ब्रश डस्ट रबर से प्रॉपर इसी को क्लीन किया। अब यहाँ पे प्राइमर लगाने का काम हो रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो प्राइमर लगाने का है, जो आपका एक बॉन्डिंग एजेंट है आपके पुराने फ्लोर को नए फ्लोर के साथ जोड़ने के लिए। ये जो हम प्राइमर लगा रहे हैं ये टाइल्स और पत्थर के लिए होता है, इसका नाम है इको प्राइम टी। मैपई इको प्राइम टी। अच्छा, मतलब अगर नीचे कोई फ्लोर हमारा टाइल है या पत्थर है जी, तो हम ये वाला लगाते हैं, ये यूज करते हैं। वैसे अपना बेस है उसमें हम मैपई नोवो प्लान 257 का प्राइमर जी यूज करते हैं। तो अगर हमारा फ्लोर कैसा है? फ्लोर हमारा सीमेंटेड फ्लोर है। अच्छा, सीमेंटेड फ्लोर है। सीमेंटेड फ्लोर में हम प्राइमर जी यूज करते हैं, मैपई का प्राइमर जी। या तो मैपई प्राइमर जी महंगा आता है या फिर ये महंगा आता है? ये महंगा आता है, इको प्राइम टी। अच्छा अच्छा जी। अब ये हमारा प्राइमर का फर्स्ट कोट जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ बैठ के देखें तो बेसिकली हमें प्लेन सा कुछ महसूस हो रहा है, चिपचिपा सा, चिपचिपा सा। तो बेसिकली ये बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे नजर आ रहा है ना। तो अभी हम देखें, जैसे स्टार्टिंग में हम देख रहे थे तो प्रॉपर एक वाइट की एक लेयर थी, बट अगर मैं बात करूँ अब तो ये आपकी जो लेयरिंग है वो ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है। तो ये सूख गया है मात्र हाफ एन आवर के अंदर ये कम्प्लीट, क्योंकि चार चार फैन चल रहे हैं तो अच्छी हवा भी है यहाँ पे, तो प्रॉपर ये हाफ एन आवर के अंदर ये सूख गया है। हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, हमारा केमिकल जो फ्लोरिंग पे सीवर लेवल करने के लिए यूज़ होगा, तो अभी ये बनाया जा रहा है। तो रमन जी, कितना पानी या क्या कुछ है इसमें? 5.5 लीटर 5.5 पानी है, 25 kg। ये इसमें 25 kg मेटल में 5.5 kg पानी आएगा। अच्छा जी। ये दिखने में तो यार वैसे सीमेंट जैसा ही लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल सर, सीमेंट ही जैसे दिखेगा, बारीक है जी। तो ये हमारा 5.5 लीटर में एक पूरा कट्टा डल जाएगा जी। डाल बस। रमन भाई, हमने पहला प्रोसेस फर्स्ट स्टेज चालू कर दी है जी। तो हमने पहले तो यहाँ पे एक एक लेयर यहाँ बिछा दी है। हाँ जी, एक लेयर बिछा दी है। इसका मतलब फायदा ये है कि अभी ये अपने आप ही अपनी जगह पे जाता रहेगा, जहाँ अपनी जहाँ पे इसको स्लोप मिलेगा, जहाँ पे इंडोलेशन होगी। हाँ। एकदम ऑटोमेटिक बराबर। ये ट्रोबल से हम 3 mm से बराबर करते हैं इसको। कितने mm से? ये 3 mm का ट्रोबल है। अच्छा, इसको हम 5 mm तक हमारा जो ट्रोबल छोड़ के चलेगा। हाँ। 5 से 10 mm तक हम इसको छोड़ के चलते हैं। अच्छा। जहाँ तक भी इसकी इंडोलेशन होगी वहाँ तक कवर करके अपने आप मूवमेंट ले लेगा, अपने मूवमेंट ले लेगा। इसके बाद हम दूसरा सेकेंड लेयर हमारा रोलर है, रोलर लानो। अच्छा, रोलर है। ठीक है, इधर दिखा एक बार, चला के दूँ। इस रोलर को हम इस चीज़ से ऐसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ। कि हमारा बिल्कुल एकदम स्मूथ आ जाए। अच्छा, जैसे हमारा भी कहीं भी ऑफ डाउन है। हाँ। तो बिल्कुल हमारा एकदम
प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अच्छा जी, आज की वीडियो जहाँ पे हमने सेल्फ लेवलिंग सीखी रमन भाई के साथ, मपई के प्रोडक्ट के साथ, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग का एक काफ़ी अच्छा लुक हमें यहाँ पे देखने को मिला।